हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के करंट अफेयर को कवर करेंगे। सबसे पहला स्टेट है अपना गोवा। जून 2022, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के बीच एक सहयोग है, जिसका उद्देश्य समुद्री तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटक और समुद्री तट में पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 से 12 जून तक मनाए जा रहे वित्त मंत्रालय की आज़ादी के अमृत महोत्सव 35वें सप्ताह के हिस्से के रूप में गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर का उद्घाटन किया। 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग में इसका उद्घाटन किया गया है। ये बिल्डिंग पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फा डेगा के नाम से जाना जाता था। 400 से अधिक वर्षों से पणजी के मंडोवी नदी के तट पर ये बिल्डिंग खड़ी है। नेक्स्ट स्टेट अपना कर्नाटक। महिला @ कार्य योजना, आवश्यक रोजगार योजना, कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलोर कर्नाटक में शुरू किया गया है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलोर कर्नाटक में शुरू किया गया है। कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स इकाई ने दिशांग नामक ऐप शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मूल भूमि रिकॉर्ड को आसानी से उपलब्ध कराना है। कर्नाटक बैंक ने वंचित आबादी को ऊर्जा पहुँच प्रदान करने हेतु सेल्को के साथ समझौता किया है। अप्रैल 2022, सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए विनय समरसे योजना शुरू की है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कर्नाटक के राज्यपाल TC गहलोत ने 1 अप्रैल 2022 को बेंगलोर के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर और जर्सी के साथ गाना लॉन्च किया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने नीम हंस और नीति आयोग के साथ मिलकर जनवरी में कर्नाटक ब्रांड हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया। भारतीय क्रिकेटर रोबिन उथप्पा को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकथाम और सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने और चिप डिजाइन व विनिर्माण इकोसिस्टम को पोषित करने की भारत की महत्वाकांक्षा को शुरू करने हेतु लॉन्च पैड के रूप में कल्पना करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलोर में नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी पर केंद्रित भारत का पहला नैनोटेक कार्यक्रम शुरू किया। मई 2022, कर्नाटक सरकार ने 22,900 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में सेमी कनेक्टर फेब प्लांट स्थापित करने हेतु एनालॉग फेब प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU किया है। ये इजराइल की कंपनी है। इसकी स्थापना मैसूर के कोचनहल्ली में की जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बेंगलोर कैंपस का उद्घाटन किया। प्रौद्योगिकी भागीदार है CDEC पुणे, योजना प्रबंधक सलाहकार है IIT भिलाई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खनन कंपनियों को कर्नाटक में बेलारी, चित्रकूट और तुमकुरु जिले में खदानों से निकल गए लोहे ऐश के निर्यात की अनुमति दी है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने मैसूर शहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की पुष्टि की है। 8वें योग दिवस की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है। जून 2022, कर्नाटक सरकार ने योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या प्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अपना नेक्स्ट स्टेट है केरल।
2022 केरल देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जो चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करेगा, जिसके लिए सरकार ने 2022-23 में बजट में 6 करोड़ रुपए रखे हैं। अप्रैल 2022 केरल और नीदरलैंड ने कोसमोस मालाबारिक्स के परियोजना के लिए समझौता किया है। यह 18वीं शताब्दी में केरल के इतिहास के लिए इतिहास को समझने में योगदान देगा। मई 2022 लोगों में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के निदान नियंत्रण हेतु शैली ऐप लॉन्च किया। केरल सरकार ने 1 नवंबर को एक राज्य में स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य है केरल। जून 2022 केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहाँ एक कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है जो व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑनकोलॉजी प्रयोगशाला है। अपना नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। 150.4 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। नरसिंह पेटई नागस्वरम, इसको कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक टैग प्राप्त हुआ है। ये वाद्य यंत्र तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है। अप्रैल 2022 उप मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नागगिरी पेटई पंचायत संघ के पीली पटकटई में एक पेरियार स्मारक समथुरुपुरम का शुभारंभ किया। 2,88,00,000 की लागत से इसमें 100 आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की है कि भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को समथुआ नाल यानी समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन नियम 110 के अनुसार एक वादा किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। मई 2022 तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया। नारियल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण भागों में कॉयर सेक्टर 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि इसमें 80% कार्य करने वाली महिलाएं हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 1 से 5 कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को सभी कार्य दिवस में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य है। तमिलनाडु सरकार ने तिरुपुर में नजरायण झील को 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कलेगनारिंग ऑल विलेज इंटीग्रेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया है जो घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नान मधुलवन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सरकार ने अब नाले थिरन कल की क्षमता लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में 50,000 कॉलेज के छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रिक्स और आईटी डोमेन का ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है जो अगले महीने तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच कोविड महामारी के दौरान सीखने के लिए एनम एथुथम योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। तेलंगाना अपना नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने
अपने राज्य में बजट 2022-23 के लिए दलित बंधु योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि भारत में उसका सबसे बड़ा डेटा सेंटर तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा जो हैदराबाद में होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि के मामले में तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला पहला राज्य बन गया है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों से भी आगे है। तेलंगाना की प्रमुख योजनाएं रायतु बंधु योजना, खेतों में पानी उपलब्ध कराने हेतु दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना कालेश्वरम परियोजना और महिलाओं के लिए आरोग्य लक्ष्मी योजना इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अप्रैल 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका ने के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक्स इंक बिलिटी ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए अपनी मंशा जाहिर की है। गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा बुनकर बीमा योजना शुरू की है जो हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज का विस्तार करेगी। तेलंगाना सरकार ने उद्योग भागीदारी के साथ मिलकर डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया है। मई 2022 गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। तेलंगाना सरकार ने लगभग 50,000 एकड़ में सिंगल पीक कॉटन पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। जून 2022 भारत के 28वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश अपना लास्ट स्टेट है। आंध्र प्रदेश महिलाओं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं जो राज्य में अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है। श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यह आंध्र प्रदेश के लापकसी में स्थित है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर जिले के तालेपल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है। अब आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हो गए हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में टेक जोन के विशाखापट्टनम परिसर में हेल्थ क्लाउड डिजाइन को स्थापित करने की घोषणा की है। जून 2022 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 144400 ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो ने डेवलप किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की है और आंध्र प्रदेश के गुटूर में गुट्टा केंद्र में ट्रैक्टरों और कंबाइंड हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दी है। ये था हमारा आज का गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना का मार्च से लेके आज तक का करंट अफेयर।